हरे कृष्णा, मेरा नाम है काव्या बुद्धि राजा और स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, हम भक्ति में आते हैं और हमें लगता है कि हम तो इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं लेकिन ना ऐसा लग रहा है आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पा रही है। ऐसा लग रहा है हमारी स्ट्रेंथ ही कहीं खो गई है इन भक्ति के पथ में। जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको करने का हमारा मन ही नहीं करता, तो किस प्रकार से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं? आई एम श्योर हम सबके माइंड में ये वाला क्वेश्चन हमारी लाइफ के किसी ना किसी फेज में ज़रूर आता होगा और आज की वीडियो उसी बारे में होने वाली है कि किस प्रकार से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के अंतिम भाग में हमारे लिए एक सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हरी बोल। देखिए, स्ट्रेंथ को बोला जाता है बल। तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने बल को बढ़ाने के लिए, हमें उनकी शरण में जाना होगा जो कि इस स्ट्रेंथ, इस बल के सोर्स हैं, इसके स्रोत हैं। और वो कौन है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो बलराम जी हैं, उन्हीं से ही जितना आध्यात्मिक बल है हमें प्राप्त होता है। और आप सबको याद भी होगा कि हमारे पिछले लाइव सेशन में हम सब ने मिलकर कृष्णा बुक से एक बहुत सुंदर पैराग्राफ पढ़ा था, जहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार से जितना भी आध्यात्मिक बल है वो बलराम जी से फ्लो करता है। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बलराम जी कौन है तो आप क्या बोलेंगे? इनफैक्ट हम सभी क्या बोलेंगे? हम नॉर्मली यही बोलेंगे कि जो बलदाऊ हैं वो तो कृष्ण के बड़े भाई हैं, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया। लेकिन एक बार ये सेम प्रश्न पूछा गया श्रीला प्रभुपाद से, श्रीला प्रभुपाद, बलराम जी और श्री कृष्ण में क्या कोई डिफरेंस है? आपको पता है प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन श्री कृष्णा एंड श्री बलराम, ऑल्दो देयर इज वन डिफरेंस एंड दैट इज प्रिटी ऑब्वियस, विच इज द डिफरेंस इन देयर कॉम्प्लेक्शन। उनका जो वर्ण है वो अलग है। जो बलराम जी हैं वो बसंत ऋतु के जो बादल होते हैं एकदम सफेद, बिल्कुल उस कलर के हैं, और जो कृष्ण हैं वो जो वर्षा ऋतु के जो मेघ होते हैं वे उस रंग में अवतरित होते हैं, तो इसीलिए उन्हें मेघ श्याम भी बोला जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं एक्सटर्नली उनमें ये डिफरेंस है और एक इंटरनल डिफरेंस भी है। प्रभुपाद कहते हैं ऑल्दो तत्व में उनमें कोई भेद नहीं है, इनफैक्ट जो बलराम जी हैं वो फर्स्ट एक्सपेंशन है श्री कृष्ण की, लेकिन जो उनका इंटरनल मूड है वो अलग है। श्री कृष्ण भगवान है और वो आते हैं सेवा लेने के लिए, और बलराम जी जो कि श्री कृष्ण से तत्व की दृष्टि में बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन भाव मूड उनका क्या है? सेवा देने वाला। तो ऑल्दो दोनों ही सेम है लेकिन मूड अलग अलग है। श्री कृष्ण आते हैं सेवा लेने के लिए और बलराम जी आते हैं सेवा देने के लिए। अब त्रेता युग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, श्री राम और श्री लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण जी किस प्रकार से हर टाइम माँ सीता और राम जी की सेवा में लगे रहते थे, तो इसीलिए बलराम जी हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। और वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट है भगवान कृष्ण की सेवा में कि जो ब्रज रस होते हैं ना, पांच तरीके के ब्रज रस होते हैं, वो पांचों के पांचों रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला रस होता है शांत रस। अब इसमें बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? बलराम जी अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, यानी वो अपना विस्तार करते हैं उन चीजों में जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रयोग में आए, जैसे श्री कृष्ण के शूज, श्री कृष्ण की बांसुरी, उनकी छड़ी। इनफैक्ट हमारे शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि जो ब्रज धाम है, जो मायापुर धाम है, वो भी बलराम जी की ही एक्सपेंशन है। तो इस प्रकार से बलराम जी शांत रस में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अब आते हैं सेकेंड रस, जो कि है दास्य रस, यानी कि सर्वेंट एटीट्यूड। अब इसमें बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? दास्य रस का बेस्ट एग्जाम्पल है लक्ष्मण जी, जो कि हमेशा सेवा में तत्पर रहते थे। और इसके अलावा जब भी मैया यशोदा श्री कृष्ण को रेडी कर रही होती थी तो वे बलराम से कहती थी, बलराम ये लेकर आओ, अब ये वाली श्रृंगार की वस्तु लेकर आओ। तो इस प्रकार से भी जो बलराम जी हैं वे श्री कृष्ण की सेवा इत्यादि करते थे। और साथ ही साथ जब भी वन में श्री कृष्ण थक जाते थे तो बलदाऊ जी आते थे और उनके
चरण दबाते थे, और ऐसा श्री कृष्ण भी करते थे बलदाऊ जी के साथ। तो इतने लविंग एक्सचेंजेस होते थे उन दोनों के बीच में। और इसके बाद हम आते हैं थर्ड रस पे, जो कि है साख्य रस, मतलब फ्रेंडशिप। अब देखिए, दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ वे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि दोनों एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं। अब आपने बहुत सारे सुंदर पास टाइम सुनी होगी, जहां पर जब श्री कृष्ण की जो टीम होती थी वो हार जाती थी, तो उनको बलदाऊ जी और उनकी पूरी टीम को अपने कंधे पर उठाना होता था, एंड वाइस वर्सा। तो श्री कृष्ण और बलराम की बहुत सारी चाइल्डहुड पास टाइम्स हैं साख्य रस में। इसके बाद फोर्थ रस है वात्सल्य रस, यानी कि ममता या फिर पेरेंटल लव हम जिसको बोलते हैं। तो बलदाऊ जी श्री कृष्ण की हमेशा प्रोटेक्शन करते थे, जस्ट लाइक पेरेंट्स। याद करिए वो माटी खाने वाली पास टाइम, जहां पर भगवान ने ब्रजरज यानी कि माटी को अपने मुंह में डाल लिया था, और किस प्रकार से बलदाऊ जी उन्हें डांटने लग गए थे कि हे कृष्ण ऐसा तुमने क्यों करा। और उसी पेरेंटल कंसर्न के तहत वे भागे भागे गए यशोदा मैया के पास और उन्हें ये बताया। तो इसी प्रकार से बहुत सारी पास टाइम्स हैं जहां पर बलदाऊ जी माता पिता की तरह ही और बिल्कुल उसी वात्सल्य स्नेह से, वात्सल्य प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और इसके बाद पांचवा ब्रज रस है माधुर्य रस या फिर प्रेम रस, जो जितनी भी ब्रज गोपिकाएं हैं वे भगवान की जिस रस में सेवा करती हैं। तो बलदाऊ जी माधुर्य रस में भी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, कैसे? श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन के रूप में बलराम जी अपना विस्तार अनंग मंजरी के रूप में करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं। तो ये पांचों के पांचों रसों में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं। तो इसीलिए अगर हमें भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने अंदर बल लेकर आना है, तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी होगी, बलराम जी से रिक्वेस्ट करनी होगी, उनसे ये आग्रह करना होगा कि हे बलराम जी, आप तो श्री कृष्ण की पांचों ब्रज रसों में उनकी सेवा करते हैं, कृपया करके हमें एक बिंदु प्रदान करिए। तो अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से महा महोत्सव आया था बलराम पूर्णिमा का, और कृष्ण बलराम ने अपने बहुत सुंदर दर्शन दिए। लेकिन हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि मंदिर नहीं जा पाए, और उन्हीं के लिए अब ये आने वाला सरप्राइज। हरी बोल हरी कृष्णा। तो आज है बलराम पूर्णिमा महा महोत्सव, और हम आए हैं इस्कॉन छिपीवाड़ा। इस्कॉन छिपीवाड़ा वही प्लेस है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज में जाने से पहले यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे थे। इनफैक्ट जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन है उसका उद्गम स्थान भी इस्कॉन छिपीवाड़ा ही है। तो आइए चलते हैं प्रभुपाद प्लेस इस्कॉन छिपीवाड़ा में। हरी बोल। हमें अपनी लाइफ के हर एक क्षण बलराम जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यानी कि आध्यात्मिक बल की कामना करनी चाहिए। और उसके लिए हमें केवल प्रे ही नहीं करना, लेकिन अपने एफर्ट्स भी डालने हैं, क्योंकि जब हमारे सिंसियर एफर्ट्स बलराम जी देखेंगे, वे हम पे अपनी कृपा ज़रूर करेंगे, और अपने एफर्ट्स और कृपा के माध्यम से ही हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर पाएंगे। तो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।